Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel Shikartu Physics Academy. उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. वेव्स की जो खासियतें होती है वो क्या होती है और कौन सी होती है. सो देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. तो मैक्सिमम तकरीबन 10 या 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से 8 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी 2 या 3 जो रह गई है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे. और हमने जो है अपने चैनल पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है शुरू कर दी है, जिसकी जिसमें जो आपको जो फिजिक्स पढ़ाई और सिखाई जाएगी वो एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाई जाएगी और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ाई जाएगी. उम्मीद है वो लेक्चर जो है एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज आप जरूर एंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत ज्यादा समझ में भी आएगी. सो फॉर देट कीप सपोर्टिंग अस. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खासियतें, कि वेव्स की जो है खासियतें क्या है. अब वेव तो हमने पिछले 2 लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि वेव क्या होती है. वेव एक डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, या फिर वेव एक मेथड है जिसकी मदद से हम जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 1 by 1 हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, कंप्रेशन है, रेफ्रेक्शन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेव फ्रंट है और वेव स्पीड है. तो चलिए 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ एम्पलीट्यूड. तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वेव का वो है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है ये आपको मैं फिगर ड्रॉ करके समझाऊंगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे. मिसाल के तौर पे ये एक वेव है जो कि हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. अब ये एक वेव है जो कि फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में. इसको हम मेन पोजिशन भी बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजिशन भी बोलते हैं. अब यहाँ पे देखें कि जो बॉडी है वो यहाँ तक वाइब्रेट कर रही है, यहाँ तक वाइब्रेट कर रही है, और ये बॉडी जो है वो यहाँ तक वाइब्रेट कर रही है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये जो बॉडी जो है वो वाइब्रेट जो कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कवर कर रही है, या फिर यहाँ से देखें तो यहाँ तक कवर कर रही है. मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे होता है उतना ही यहाँ पे होता है, इसमें फर्क नहीं होता. तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है या मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, वो कितना डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से कवर कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो ये जो है हम जो मेजर करते हैं ये मीटर्स में करते हैं. मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो 0.001 मीटर है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया. तो ये हम लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड जो है यहाँ का वो है 0.001 मीटर. या मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखूं कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.002 मीटर, तो मैं एम्पलीट्यूड लिखूंगा कि 0.002 मीटर. तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी जब वो कवर करती है फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये जो है वो मेन पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो लिख सकते हैं इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो कितना है. मिसाल के तौर पे एक और मिसाल दूं आपको, ये इतना सा है. अब मैं अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं, मतलब ये जो है एक और वेव है, पर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं ये काफी बढ़ गया. अब ये जो है इसके मुकाबले में ये जो एम्पलीट्यूड है इसका ये बहुत ही ज्यादा है. इसको हम सपोज करते हैं कि ये 0.008 मीटर है, तो ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसके मुकाबले में ये बढ़ गया. तो ऐसे हम एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, और उसका जो ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है मीटर. ठीक है, तो ये था एम्पलीट्यूड. अब दूसरा और तीसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो वेव का वो है क्रेस्ट एंड ट्रफ. तो ये क्या होता है ये भी हम फिगर जो है ड्रॉ करके सीखेंगे. अब वैसे ही वेव की एक फिगर है जिसे हम वेव को डिनोट करते हैं कि कैसे वो है मूव करती है, तो वो ऐसे मूव करती है ये. अब ये जो है अपर पार्ट जो है ये वेव का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं हम ट्रफ. वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है कि ये ऊपर वाला पार्ट जो अपर पार्ट है वेव का उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है
जो पार्ट है उसे हम ट्रफ बोलते हैं। सो वी कैन राइट दैट द अपर आर पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, द लोअर तो द अपर पार्ट अपर या फिर इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं या अपर या पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये जो ऊपर वाला जो पॉजिटिव पार्ट या अपर पार्ट है वो क्रेस्ट होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम या तो लोअर पार्ट बोलते हैं या तो नेगेटिव पार्ट बोलते हैं वेव का, उसको हम जो है वो ट्रफ बोलते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वेव का वो है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन। के कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन क्या होता है? अब ये जो क्रेस्ट और ट्रफ हमने पढ़ा था वो सिर्फ जो है करेक्टरिस्टिक है ट्रांसवर्स वेव के। ये ट्रांसवर्स वेव है जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझाया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड वेव्स है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कभी पार्टिकल क्या होते हैं बहुत ही क्लोज आ जाते हैं देन द एवरेज, और कभी क्या होता है कि पार्टिकल बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे आपने एक स्प्रिंग में देखा होगा, जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसका कुछ नेचर ऐसे हो जाता है। ये अगर कोई स्प्रिंग है तो इसमें कुछ जो होता है वो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल, ये एक स्प्रिंग है ऐसे समझ लें स्प्रिंग में, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही क्लोज आ गए हैं और यहाँ पे देखें फिर ये दूर चले गए हैं, फिर यहाँ पे देखें ये क्लोज आ गए, ये फिर दूर चले गए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है ट्रांसवर्स वेव में, यहाँ पे जो होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर में कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन फॉर्म होता है। कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि कभी मॉलिक्यूल जो है बहुत ही क्लोज आ जाते हैं तो उस रीजन को, मतलब ये जो रीजन है हमारा ये वाला जहाँ पे जो है मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ गए इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक जब मॉलिक्यूल बहुत दूर चले गए तो इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रिक्शन। फिर यहाँ पे कंप्रेशन आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्रेशन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रेयर फ्रिक्शन है। तो इसी जैसे क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन फॉर्म होते हैं। ये किस में फॉर्म होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जैसे साउंड वेव हो गया, आपका स्प्रिंग हो गया, तो इसमें जो है कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन फॉर्म होते हैं। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि तो मतलब यहाँ पे व्हेन पार्टिकल कम क्लोजर देन एवरेज, मतलब एवरेज के हिसाब से जब मॉलिक्यूल जो है बहुत क्लोज आ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे आ गए, इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। इस कॉल्ड कंप्रेशन व्हेन पार्टिकल फर्दर अपार्ट, मतलब फर्दर अपार्ट तो वो जब दूर चले जाते हैं जैसे कि इस रीजन में है कि मॉलिक्यूल जो है वो दूर चले गए हैं, इस रीजन को हम नाम देते हैं रेयर फ्रिक्शन। तो ये कहाँ पे होता है ये याद रखने की जरूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी जो है वो आपकी जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर की प्रॉपर्टीज है, और ये वाली जो प्रॉपर्टीज है क्रेस्ट और ट्रफ ये ट्रांसवर्स नेचर की प्रॉपर्टीज है। छठी जो हमारी करेक्टरिस्टिक है वेव की वो है वेव लेंथ। आपको नाम ही बता रहा है कि वेव लेंथ, मतलब एक वेव की लेंथ क्या होती है। अब मिसाल के तौर पे एक वेव है, अब ये एक वेव है, तो एक वेव जो होती है वो एक पूरे क्रेस्ट और ट्रफ की जो लेंथ होती है उसके बराबर होती है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है वो पूरी एक वेव बनती है। इसको एक साइकिल भी बोल सकते हैं, एक साइकिल और वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन और एक वेव भी बोल सकते हैं कि ये एक वेव है, जो भी आप नाम दे दें ये सही है। मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक पूरी वेव बनती है, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसके हम वेवलेंथ कहते हैं। दो क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम लेमडा से शो करते हैं, ऐसे उसकी सिंबल होती है, इसको बोलते हैं हम लेमडा, LEMBDA, लेमडा LEMBDA लेमडा से शो करते हैं। तो इन ये तो एक ट्रांसवर्स वेव है,
पर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें हम वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको पिछले में वेव में दिखाया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होता, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रिएक्शन होता है। कंप्रेशन कैसे होता है, मतलब जो है ये मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे हो जाते हैं, फिर क्लोज आ जाते हैं ऐसे, फिर ऐसे हो जाते हैं। तो दो, ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया कंप्रेशन, ये हो गया रिएक्शन। तो कंप्रेशन से लेके कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस है, या रिएक्शन से लेके रिएक्शन तक जो डिस्टेंस है, उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। है वेवलेंथ ही, दोनों का डिस्टेंस सेम ही होता है, पर ये जो है क्रेस्ट और क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, या ट्रफ और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो सिर्फ और ट्रांसवर्स वेव में होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, तो उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेश आर ट्रफ और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिएक्शन, कंप्रेशन और रिएक्शन। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसके हम वेवलेंथ कहेंगे। या फिर इन टर्म्स ऑफ, आप अगर इसमें डिफाइन करेंगे किसमें, लॉन्गिट्यूडनल नेचर में, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, या फिर दो रिएक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। हमारा सातवां जो करेक्टरिस्टिक है वो है टाइम पीरियड। छठा जो हमने पढ़ा था वो वेवलेंथ पढ़ा था। अब वेवलेंथ जो थी, आपको पता है कि ये वेवलेंथ थी, मतलब क्रेस्ट लेके क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो हम मेजर करते, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये हम मीटर्स में मेजर करते हैं कि कितने मीटर्स हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको पढ़ाया है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो डिस्टेंस का जो होता है वो मीटर होता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, दोनों एक ही बात है। अब यहां से लेके क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक, ओ यहां से लेके एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये पूरी एक वेव कहलाती है, या इसको एक साइकिल कह सकते हैं, या वाइब्रेशन कह सकते हैं, या वेव कहते हैं। अब जो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम, तो आपको पता है क्या होता है कि ये टाइम पीरियड जो है एक वेव या एक साइकिल जो होती है खत्म करने के लिए, या एक वेव खत्म करने के लिए कितना टाइम लेती है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर अगर एक वेव में बनाऊ यहाँ पे, अब इसमें यहां से लेके एक क्रेस्ट आ गया और एक ये ट्रफ आ गया, अब ये एक वेव जो है वो कितने टाइम में खत्म हो रही है, मतलब पूरी हो रही है। अगर एक सेकंड में हो रही है तो इस वेव का जो टाइम पीरियड बनेगा वो एक सेकंड बनेगा। अगर दो सेकंड में हो रही है, मतलब यहां से लेके अगर यहां तक जो टाइम लग रहा है वो दो सेकंड लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, दो सेकंड हो गया। अगर यहां से लेके मिसाल के तौर पर एक और वेव बनाते हैं, अब ये थोड़ी बड़ी सी वेव है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये एक क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक एक वेव पूरी हो गई। तो लेके यहां से लेके यहां तक जो टाइम कवर हो रहा है, मिसाल के तौर पे 5 सेकंड, वो 5 सेकंड लग रहे हैं, तो इस वेव का जो टाइम पीरियड हो गया वो 5 सेकंड हो गया। सेकंड का मतलब है, सेकंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का। तो टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ कि एक वेव जो है वो कितना टाइम ले रही है ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो वी कैन राइट दैट टाइम मतलब जो है टाइम जो है लग रहा है, एक वेव खत्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और उसको हम जो है वो सेकंड्स में मेजर करते हैं कि कितने सेकंड्स लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे 5 सेकंड लग रहे हैं, तो कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इसको, इस करेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं टाइम पीरियड।
अब आठवीं नंबर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि एक चीज जो है वो इतने टाइम में कितनी दफा रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वैसे ही जो है कि एक वेव के वेव की कितनी वाइब्रेशंस या कितनी वेव्स जो है वो एक सेकंड में कवर हो रही हैं या प्रोपेगेट कर रही हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पे मैं तीन वेव्स का आपको मिसाल देता हूं कि एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी एक सेकंड लग रहा है, यहाँ पे भी एक सेकंड लग रहा है, यहाँ पे भी पूरा जो है प्रोपेगेट करने के लिए एक सेकंड लग रहा है। पर अगर यहाँ पे देखें कि एक सेकंड में ये जो है एक वेव कंप्लीट हो रही है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये एक वेव खत्म हो रही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये एक वेव एक क्रेस्ट, यहाँ तक एक वेव खत्म हुई और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी वेव खत्म हुई। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी वेव, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी वेव। मतलब टाइम एक ही है, एक सेकंड, यहाँ पे भी एक सेकंड, यहाँ पे भी एक सेकंड, पर यहाँ पे एक वाइब्रेशन खत्म हो रही है एक सेकंड के अंदर, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। तो हम कह सकते हैं कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन खत्म हो रही है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, उसका यूनिट होता है हर्ट्ज, तो इसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज, उसको शॉर्ट फॉर्म में HZ से डिनोट करते हैं। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो 1 हर्ट्ज से, इसकी जो है वो 2 हर्ट्ज से, मतलब एक सेकंड में दो वाइब्रेशंस जो है वो खत्म हो रही हैं या दो वेव जो है वो खत्म हो रही हैं या प्रोपेगेट कर रही हैं। इसकी जो है वो 3 हर्ट्ज कर रही हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई। तो इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो प्रोपेगेट कर रही हैं या कितनी साइकिल्स जो है वो प्रोपेगेट कर रही हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वेरी सिंपल, इट कैन बी डिफाइंड एज, मतलब एक सेकंड के अंदर जो कितनी वेव्स जो है वो वाइब्रेशन, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HZ से डिनोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आठों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अच्छा, ये तो बाकी जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बाकी जो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं वेव फ्रंट और वेव स्पीड, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाएंगे, क्योंकि इस वेव स्पीड के हिसाब से कुछ डेरिवेशन भी है तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स, आठों करेक्टरिस्टिक्स, उम्मीद है आप पूरे देखें। कुछ समझ में ना आए या कोई क्वेरी हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।